हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की मेरी जो रेसिपी है वो है मुठिया पापड़ी नू गुजराती साग। मुठिया पापड़ी का साग बनाने के लिए हमें फर्स्ट जो मुठिया है उसका हमें प्रिपरेशन करना है। ये जो चने का आटा है वो उसमें मैं थोड़ा सा 1 कप जितना मैं डालूंगी, फिर अगर हमें लगे थोड़ा सा तो फिर हम डाल सकते। और ये जो है वो गेहूं का लड्डू का जो आटा आता है वो मैं उसमें थोड़ा सा डालूंगी, मोटा वाला आता है वो, थोड़ा सा, थोड़ी सी हींग डालूंगी। और ये जो खाने का सोडा आता है वो हमें डालना है, स्वाद अनुसार नमक डालना है। और ये जो तिल है सफ़ेद वाला वो थोड़ा सा डालूंगी, थोड़ा सा गरम मसाला। और ये जो हल्दी पाउडर है वो थोड़ा सा मैं डालूंगी, साथ में ये जो है वो लहसुन अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट है वो थोड़ा सा मैं डालूंगी, वो आप स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं। थोड़ी सी ये जो शक्कर है वो मैं डालूंगी, साथ में ये जो ऑयल है वो मैं उसमें डालूंगी। इसमें जो ऑयल लगता है वो पीनट ऑयल हमें डालना चाहिए, क्योंकि उसके वजह से इसका जो स्वाद है वो अच्छा आता है, इसलिए अब मैं इसमें पीनट ऑयल डाल रही हूँ। अब इसे मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। ये सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो मैंने डाल दिए। अब इसमें अच्छी तरह मिक्स करने के बाद उसमें ये जो मेथी की भाजी है, कोरिएंडर है, वो सारा कुछ डालूंगी। अब इसमें ये जो मैंने मेथी है उसे मैंने कट करके रखी थी तो वो उसमें अभी मैं डालूंगी, साथ में थोड़ा सा हरा धनिया, कोथिंबीर वो भी डालूंगी, और थोड़ा सा ग्रीन गार्लिक है वो उसमें डालूंगी। अब सभी को अच्छी तरह हमें मिक्स कर लेना है। इसमें हमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है। अब मैंने सारा कुछ अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, अभी उसमें थोड़ा थोड़ा पानी मैं डालूंगी। अब हमें इसके छोटे छोटे ऐसे गोले बनाने हैं, फिर उस सभी में गोले बना के फिर मैं उसे स्टीम कर लूँगी। अब मैंने इसी तरह सारे मुठिया के गोले बना के इसमें रख दिए हैं और उसे मैं अब 20 मिनट के लिए स्टीम करूँगी। जब हमारे जो मुठिया है वो स्टीम हो जाए फिर उसे मैं पापड़ी में मिक्स कर दूँगी। और आप अगर इसे फ्राई करके भी बना सकते हैं। अब हमें जो पापड़ी की सब्जी है उसके लिए हमें तैयारी कर। अब मैंने ये प्रेशर कुकर रखा है और उसमें मैं ऑयल डालूंगी। एक बार हमारा ऑयल गरम हो जाए फिर बाद में उसमें मैं ये अजवाइन है वो थोड़ा सा डालूं। अब हमारा जो ऑयल है वो गरम हो चुका है, अब उसमें मैं अजवाइन थोड़ा सा डालूंगी और साथ में ये थोड़ी सी हींग पन डालूंगी। और ये जो पापड़ी है वो उसमें मैं डाल दूंगी साथ। साथ में जिंजर गार्लिक और चिली पेस्ट उसमें मैं साथ में डाल दूँ। इसमें थोड़ा सा हमें मसाला ज़्यादा डालना है। साथ में हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर। अब अच्छी तरह हमें मिक्स कर लेना है। साथ में नमक भी डाल दूँगी और थोड़ा सा मैं
पानी डालें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। अब सारा कुछ अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अब एक थाली में थोड़ा सा पानी उस पे रख के मैं अब इसे 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही होने दूँ। जब हमारे मूठियाँ स्टीम हो जाए, बाद में इसमें मैं डाल के फिर उसमें मैं कुकर बंद करके 2 सीटी कर दूँ। अब मैंने जो पापड़ी है वो ढककर रखी थी, तो वो आधी अब पक चुकी है। अब उसमें ये जो मैंने स्टीम की हुई मूठियाँ है वो अब उसमें मैं डालूँ। फिर उसे अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी, साथ में थोड़ा सा हरा धनिया डालूँगी और थोड़ा सा ये जो ग्रीन गार्लिक है वो भी डालूँगी। और सारा कुछ अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अब हमारी जो पापड़ी है वो भी आधी पक चुकी है और हमारे जो मूठियाँ है वो भी स्टीम होकर रेडी है। अब उसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के फिर उसमें 2 सीटी में कुकर में लगाऊंगी। अब हमारा जो मूठिया पापड़ी का साग है वो अब रेडी हो चुका है। और सर्व करने के लिए रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।